सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि व्हाट डज CSS स्टैंड फॉर एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ CSS। अब दोस्तों इसके साथ साथ में मैं आपको VS कोड में चल के बताऊँगा कि CSS अगर आप अप्लाई नहीं करते हो, सिर्फ आपके पास HTML है, तो कैसे आपको वेब पेज दिखेगी, और अगर आप CSS अप्लाई करते हो तो आपकी वेब पेज और कितनी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। तो अगर दोस्तों आपको CSS का बेसिक भी नहीं पता तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहां पे हम पढ़ेंगे व्हाट डज CSS स्टैंड फॉर एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ CSS। सबसे पहले दोस्तों इसकी हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो अगर हम लोग बात करें CSS का मतलब, तो CSS का मतलब होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, ये इंटरव्यू में दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब आप CSS स्किल मेंशन करते हैं अपने रेज्यूमे में तो उसमें यहाँ पे CSS का मतलब क्या होता है। तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है, इट इज़ अ स्टाइल शीट लैंग्वेज यूज टू कंट्रोल द प्रेजेंटेशन एंड लेआउट ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। अब कैसे दोस्तों यहाँ पे जो लेआउट होता है HTML डॉक्यूमेंट का, कैसे हम लोग स्टाइलिंग कर सकते हैं वो अभी देखेंगे। और पर्पस की बात करें तो CSS इज यूज टू स्टाइल एंड फॉर्मेट द appearance of web pages written in HTML and XML, or it allow web developer to control aspect like layout, colors, fonts and spacing of HTML element। तो दोस्तों आप easily जो है styling कैसे कर सकते हो, कोई भी text लिखा हो तो उसका layout, color, font अगर change करना है तो वो आप CSS के help से कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ VS Code में कि कैसे आप CSS के help से और ज़्यादा आप styling कर सकते हैं। दोस्तों अभी जो है मैं ओपन कर लिया है VS कोड। तो अगर आपको ये नहीं पता कि VS कोड में कैसे स्टाइलिंग वगैरह करते हैं, HTML कैसे रन करते हैं, तो दोस्तों वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पे और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पे दोस्तों CSS पर्पस नाम से एक फोल्डर मैंने बनाया है, तो इसके अंदर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, index.html फाइल बनाऊंगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले सिंटेक्स यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा HTML का। ठीक है, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट की जगह लिख दूंगा CSS पर्पस। ठीक है, और उसके साथ साथ में दोस्तों इस बॉडी के अंदर मैं क्या करूँगा, पी टैग ऐड करूँगा। ठीक है, और पी टैग के अंदर लॉरम 20 अगर हम ऐड कर देते हैं तो दोस्तों ये एक डमी टेक्स्ट होता है वो ऐड होता है, और इसके साथ साथ में हमने फॉर्मेट कर दिया। और उसके साथ में दोस्तों यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक बटन ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ क्लिक मी। ठीक है, और अब दोस्तों यहाँ पे इसे रन करते हैं। सबसे पहले इसे रन करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे राइट क्लिक करिए, ओपन विद लाइव सर्वर आपको दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों लॉरम एप्सम आपको ये एक छोटा सा टेक्स्ट दिख रहा होगा, और साथ साथ में दोस्तों यहाँ पे ये जो है क्लिक मी आपको दिख रहा है। मैं आ जाता हूँ अपने VS कोड में, और इसके बाद एक और फाइल बनाएंगे style.css से। ठीक है, इसके अंदर हम अपनी CSS ऐड करेंगे और इसको लिंक करते हैं। ठीक है, लिंक कैसे करते हैं, लिंक पे क्लिक करिए और इसके अंदर आप style.css ऐड कर दीजिए। तो जो भी दोस्तों आप style.css के अंदर करेंगे वो आपके index.html पेज पे अप्लाई हो जाएगा। तो ऐसे लिंकेज हम करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम style.css अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम p टैग के अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर ऐड करते हैं। तो यहाँ पे आप बैकग्राउंड कलर ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने ये कर दिया aquamarine, और आप जा कर के देख सकते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ऐड हो गया है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है आप क्या कर सकते हैं, जो आपका फॉन्ट है साइज़ है वो दोस्तों आप यहाँ पे 30 pixels ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए ये यहाँ पे टेक्स्ट बड़ा हो गया है और आपका यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ऐड हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे आप कोई भी बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं जैसे आपका इंटरेस्ट है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप पैडिंग दे दीजिए 30 pixels। ठीक है, तो हमने 30 pixels दे दिया। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे ये इसके अंदर टेक्स्ट आ गया और हमारे पास बैकग्राउंड कलर ऐड हो गया। तो इस हिसाब से दोस्तों आप कोई भी यहाँ पे जो है लाइट कलर या जैसे भी आपको ठीक लगे आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो अगर दोस्तों यहाँ पे आप पर्पस देखेंगे तो मेरा कुछ टेक्स्ट पहले कैसे दिखता था और अभी CSS अप्लाई करने के बाद कैसा हो गया। तो ये दोस्तों एक आप कह सकते हैं कि ये पर्पस है CSS का कि आप जो है वेबसाइट को और ज़्यादा स्टाइल कर सकते हैं। अब जैसे दोस्तों यहाँ पे एक बटन है क्लिक मी का।
ठीक है। तो अब दोस्तों इस बटन को आप कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको बटन लिखना पड़ेगा और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर ऐड कर दीजिए। तो बैकग्राउंड कलर दोस्तों यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक्वा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड कलर ऐड हो गया है। और इसके साथ साथ में दोस्तों यहाँ पे जो है फॉन्ट साइज 30 पिक्सल ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए कुछ ऐसे हो गया है। और अगर मैं यहाँ पे पैडिंग अप्लाई कर दूँ, तो यहाँ पे मान लीजिए 10 पिक्सल की मैं पैडिंग अप्लाई कर देता हूँ, तो दोस्तों ये देखिए कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे कि जो मेरा पहले टेक्स्ट था जब मैंने सीएसएस अप्लाई नहीं किया तो कैसा दिखता था और अब कैसा दिख रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये जस्ट एक नॉर्मल मैंने आपको समझाया कि सीएसएस कैसे अप्लाई की जाती है और कैसे आप जो है इससे अपनी वेबसाइट में अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा कि सीएसएस क्या होता है और एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में हम कैसे सीएसएस अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।